नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई मलेशिया से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, हालांकि मलेशिया का मैं बता दूं, पहले क्लियर कर दूं कि इस चैनल पे ये वीडियो इसलिए मैं डालता हूं बार बार कि भाई दो चार वीडियो और डालूंगा कि मलेशिया के नाम से ये चैनल मैंने पहले स्टार्ट किया था। मलेशिया के बंदे इस पे काफ़ी सारे जुड़े थे, लगभग 10-15 हज़ार सब्सक्राइबर थे तब तक मलेशिया का ये चैनल था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मलेशिया की जो भी जेन्युइन इंक्वायरी हो आपको दूसरे चैनल पे मिलेगी। इस पे यानी आप इसको देखोगे तो उसके वीडियो के नीचे लिंक है, उसको जाके चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं इस चैनल पे सिर्फ गल्फ कंट्रीज़ है ना, उसी के वीडियो इस पे डालूंगा। तो आप अगर मलेशिया से रिलेटेड इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के नीचे लिंक है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें चैनल, दूसरे चैनल को। यूरोपीय कंट्री की जितनी भी कंट्री हैं सभी वीडियो वहाँ पर आपको जानकारी सही मिलती रहेगी, और मलेशिया का भी भविष्य में चैनल पर वीडियो मैं डालता रहूँगा, तो वो चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। तो भाई एक मलेशिया, आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, आपको सबको पता है 31 अगस्त तक लॉकडाउन रहेगा, ठीक है। नए अपडेट अभी तक मलेशिया का कोई खास है नहीं, मैंने पहले जो अपडेट थे मैंने आप लोगों को बता दिए। आज मैं बात करूंगा वीज़ा से रिलेटेड। जी हाँ, मेरे पास एक वीज़ा आया है मलेशिया का। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स भी व्हाट्सएप पे भी आते रहते हैं, सर मलेशिया, तो मलेशिया जाने वाले इंटरेस्ट लोग ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैं बता दूं भाई कि जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं होने वाला है। और मलेशिया के नाम से कल परसों एक लेडी थी, पता नहीं 1.5 लाख रुपये विजिट वीज़ा के, और वीज़ा कौन सा मैं बता दूँ, 1.5 लाख रुपये कौन से वीज़ा के मांगे गए, इस वीज़ा के मांगे गए जो वीज़ा मात्र 1800 रुपये का है, और 1800 भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको पता है मलेशिया ने इंडिया के लिए वीज़ा ऑन अराइवल कर दिया, यानी आप फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ पे एक फॉर्म भर के इंडिया में मलेशिया में प्रवेश कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा वीज़ा से रिलेटेड। लेकिन अभी मलेशिया ने यह बोला हुआ कि भाई COVID-19 चल रहा है, जिसको आना है वो वीज़ा लेके आए, यानी वीज़ा आपको खरीद के फिर आपको मलेशिया जाना होगा विजिट वीज़ा में, अगर आप जाना चाह रहे हैं तो। बाकी इंडिया से मलेशिया के लिए तो आपको पता है भैया फ्लाइटों का इतना कोई चक्कर है नहीं, तो आप कैसे जाओगे। बंदे ने ये वीज़ा भेजा है, इस वीज़ा को चेक करें। जी हाँ साथियों, इस वीज़ा को अगर चेक करते हैं, ये वीज़ा पता है क्या होता है, ये चेक नहीं होता, मलेशिया का वीज़ा चेक नहीं हो रहा है। बंदा वहाँ मलेशिया में बैठा है, इंडियन आदमी है, हिंदी में बात कर रहा है, ये आपका वीज़ा लो सर जी, अब वीज़ा आपको दे दिया, वीज़ा का कोई पैसा नहीं लिया, वीज़ा दे दिया, अब आप एक काम करो मात्र 15,000 रुपये मेरे अकाउंट में डालो ताकि मैं आपकी टिकट बना के मलेशिया बुला लूँ, मेरे पास में आपको कंपनी में जॉब लगवा दूँ। जी हाँ, ऐसा फंडा किया जा रहा है। अब इस वीज़ा को बंदे ने चेक कर लिया, मैंने चेक नहीं किया, खुद ने चेक किया, ये वीज़ा चेक नहीं हो रहा है। अब भाई अगर वीज़ा ऑनलाइन होगा ही नहीं तो चेक कैसे होगा, आपको पता है विजिट वीज़ा सब चेक होते हैं, वीज़ा नंबर के नाम से जैसे भी ये वीज़ा चेक हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, चाहे वीज़ा कहीं का भी हो, लेकिन ये वीज़ा चेक नहीं हो रहा है, इसका मतलब फेक वीज़ा है। 15,000 बंदा सोचता है लालच में, इसीलिए लोग मर जाते हैं यार, 15,000 टिकट के ले रहा है, वीज़ा फ्री में दे दिया, चलो दे देते हैं। अब मेरे जैसे बंदे के धक्के लग जाते हैं तो वो 15 भी मैं तो देने नहीं देता, तो फिर उनकी एक तरह से बिजनेस उनका ठप पड़ने लग जाता है। तो आपके साथ भी कोई अगर ऐसी घटना हो तो भाई थोड़ा सा देख ले, सोच ले, समझ ले, लोग ऐसा भी करते हैं, जबकि सबको पता है मलेशिया में लॉकडाउन है, कोई वीज़ा नहीं है, मलेशिया के नाम से चैप्टर क्लोज है, लेकिन बंदे ने बोला, मैंने उसको बोला कि आप ऐसे ऐसे बोलो, अगर आपको विश्वास ही नहीं है मेरे, तो 10 दिन पहले 14 बंदे आए इंडिया से, मलेशिया पहुंच गए, उनको मैं कंपनी में लेके गए, जॉब लगवा दिया, बताओ जी इतना आसान है, कंपनी में लेके गए विजिट वीज़ा में, जॉब लगवा दिया, इमिग्रेशन ने किसी ने कुछ नहीं बोला उनको, ठीक है। मैंने बोला उनसे, आप जो बंदे गए उनके डॉक्यूमेंट मांगिए कि भाई आपके गए, अगर 15 अगस्त को बंदे तो कागज़ तो होंगे, वीज़ा होगा, आपके पास टिकट होगी, बोर्डिंग पास होगा, तो उसको 2019 के डॉक्यूमेंट भेज दिए। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चीटिंग करने की सोच रहा है 15,000 के लिए। अगर महीने में 5 बंदे 5-7 मुर्गे फंस गए तो लाख रुपए बन गए अगले का, समझ रहे हो बात को, ऐसा हो सकता है। तो भाई आप भी थोड़ा सा देख ले, मलेशिया की रोज़ नई अपडेट लेने के लिए नीचे लिंक दिया गया नए चैनल का, उसको जाके सब्सक्राइब कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड, मलेशिया से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।